अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंदा असां उन कौम को उम्मत को कामयाब फरमा दिते ते जिन्हें पैगंबर दी तबलीग को पैगंबर दे पैगाम हक को ठुकरा दिते अल्लाह फरमाएंदा असां उन्हें उन्हें जहाने दी जिंदगी दे अंदर जलील और रुसवा करके रख दिते क्योंकि उन्हें सारी तौहीद का इकरार नहीं किया असा उन्हें कोई लिहाज नहीं किया उन्हें सारी गाल नहीं मनी मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दी गाल कोई नहीं मानी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसला यह समझा दिते है कि आज भी अगर कोई इंसान कोई कौम कोई जमात अपने आप को कामयाबी की तरफ घिन आवन चाहती है तो उनके वास्ते जरूरी है कि पैगंबर की जो तालीम है उनके मुताबिक अपनी अमली जिंदगी अख्तियार करें इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर कई पैगंबर का जिक्र फरमाया कि उन्हें आके किवें अपनी कौम को तबलीग फरमाइए और कौम ने किवें इनकार किए या किवें वो कौम बिरादरी उन्हें जमात किवें वो तबलीग के उत्ते अमल पैरा थी है अल्लाह ने दो चीज़ों का जिक्र करवा दिया क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत उन वक्त तक इंसान नहीं कर सकता कामिल दर्जे की जब तक के वो इंसान अपने पैगंबर की गाल को तस्लीम न करे क्योंकि पैगंबर ही अल्लाह की तरफों वो अहकाम गिन के आते पैगंबर को ही पता होंगे कि ये तरीका क्या है इबादत करने का तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के उत्ते जितने भी नबी मबूस फरमाए आदम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जात वो भी आए दुनिया के उत्ते तो यो मसला बयान फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम आए उन्हें भी यो मसला बयान फरमाया नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर क्योंकि लोगों ने बुत बना दिए हैं बुते की इबादत शुरू थी गई है उन्हें कि ये जो बुत हैं ये सारे हकीकी माबूद ही है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें तबलीग का जिक्र कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया कि उन्हें किवें तबलीग फरमाइए और कौम ने किवें इनकार किए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें क्या वाल आजाद नाज قال يا قوم اعبدوا الله اللہ کریم فرمے دنے اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبر نے مبعوث فرمائے ہر پیغمبر نے دنیا دے اوتے ایو حکم کیتا او میری قوم او عبد اللہ हालत के अंदर भी की गमी हालत के अंदर भी की
अल्लाह दे सामने आके माफिया मंगो, अल्लाह
मैं अल्लाह करीम हूं माफी मंगण दी वजह को लोग अपनी रजा दा ऐलान करके इंदे उते अपने इनाम आप दी बरसात कर दे। उन कौम ने क्योंकि पैगंबर दी गल तस्लीम नहीं की थी, अल्लाह फरमाते हैं असां उन कौम को तबाह बर्बाद कर देते, उन कौम को दुनिया दे उत्तों मिटा छोड़े। 70 या 80 बंदा सिर्फ और सिर्फ 950 साल की तबलीग के अंदर मुसलमान थे। अल्लाह फरमाते हैं उन्हें क्योंकि मैं अल्लाह की तौहीद का इकरार किए थोड़े बंदे को, मैं अल्लाह करीम ने उन्हें को दुनिया के ऊपर सलामत रखा, बाकी सारी कौम को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। तो ना अल्लाह ने वाले एक मसला जाहिर कर दिया कि आज भी अगर कोई बंदा तौबा चा करे, माफी चा मंगे अल्लाह के दरबार के अंदर, गुनाह की माफी चा मंगे, अल्लाह फरमाते हैं उनके ऊपर मैं अल्लाह करीम ये इनामात नाज़िल कर दे। औलाद की जरूरत है तो औलाद ले दे, माल की जरूरत है मैं अल्लाह को माल ले दे, जायदाद की जरूरत है जेरी शायद की जरूरत है, अल्लाह फरमाते हैं उनके वास्ते वाहिद इलाज मैं अल्लाह करीम ने तौबा वाला रख दिते, तौबा करें तो वो न थके हुक्म मैं अल्लाह रब इज्जत अपनी तरफ माल तो जायदाद ने मैं नहीं थका। असा क्योंकि अल्लाह के दरबार के अंदर माफी मंगते नहीं, तौबा करेंगे नहीं, तौबा तो वह बंदा करेंगे जरा पहले मने कि मैं गुनाहगार हाँ, मैं खताकार हाँ, मैं गलती की थी। ये चीज अस मने नहीं कि असा गुनाहगार है नहीं कहना, तो शैतान का दुख है, सरासर दुख है। शैतान ने सबको दुखे के अंदर रख दिए कि तू तेरे नाल का तो कोई मुवहिद नहीं, तेरे नाल का तो कोई मुत्तकी नहीं, तेरे नाल का कोई परहेजगार अल्लाह की जात को डरन वाला नहीं, वो तौबा के नेड़े सब नहीं आ रहा। तो ये सारे जरे चीज़ा थी अल्लाह के पैगंबर ने तबलीग फरमाइए, उन्हें तौबा नहीं की। आखिरकार पैगंबर क्योंकि इंसान उगदार थक गए, अल्लाह की जात को आखन लगे, काला नूह रब्बी لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا। اللہ کریما رب لا تذر اے اللہ پاکا این دنیا دے اوتے کوئی ایک بندہ ہی نہ چھوڑ کا پرندا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا اے اللہ پاکا कोई काफिर भी सलामत ना होए ते कोई काफिर दा घर भी बाकी ना बचे, अल्लाह सारे को तबाह बर्बाद करके रख दे, क्योंकि अल्लाह करीम को दे ऐ अल्लाह अगर तू छोड़ ही देवे इन्ना का इंतजार हम युजिल्लो इबादत का मना यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। ए अल्लाह पाका अगर तू कहीं काफिर को सलामत भी छोड़ देवे तो वो काफिर दुनिया के उत्ते आके वल अपना कुफर फैलावन लगवे सी, वो दुनिया के उत्ते आके वल लोगों को गुमराह करन लगवे सी। इन्ना का इंतजारहुम युजिल्लो इबादका, ए अल्लाह पाका तेरे बरगुदी दा बंदे को भी गुमराह कर दे सी, ते वल दुनिया के उत्ते रहंदे ला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। क्योंकि जरण पैगंबर दुनिया के उत्ते दुआ करें दे अपनी मर्जी नाल नहीं करें दा, पैगंबर दुनिया के उत्ते कोई कलाम करें दे अपनी मर्जी नाल नहीं करें दा। अल्लाह करीम फरमाते हैं पैगंबर दी कलाम ते दुआ अल्लाह दे हुक्म नाल आउंदी है, जिवें जिवें अल्लाह करीम दे दिल ते दिमाग दे अंदर कलमे सटेंदे रहिंदा ओ पैगंबर भी उवें उवें अल्लाह करीम दे अगों मंगदे रहिंदा। ते अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने कुफार दे मुतालिक
त्यों कुफार दे अंदर पैगंबर दा पुत्र भी मौजूद है। अल्लाह करीम फरमे चिर वेले मैं अल्लाह करीम ने अजाब देवन दा वादा कीते पैगंबर दा पुत्र भी विच है। पैगंबर तो दुआ कीती अल्लाह पाक कोई काफिर दुनिया दे उत्ते ना आवे। अल्लाह करीम फरमे मैं अल्लाह करीम ने आख्या हाँ कोई काफिर भी नहीं आना दुनिया दे उत्ते सलामत। ते जिर वेले अल्लाह करीम ने पानी ते सैलाब भेज दिता पैगंबर दा पुत्र उथे टुबिया खांदा ते मरदा पिया ई। अल्लाह करीम को आखण लगे अल्लाह पाक ए तो मेरी ज़ुरियत दे विचों है मेरी औलाद दे विचों है। ते अल्लाह करीम ने वादा कीते कि ए मेरा पैगंबर मैं अल्लाह करीम ने तेरी औलाद ते ज़ुरियत को बचा रहे हैं। अल्लाह करीम फरमे दिना ही नहीं मेरा पैगंबर ते पैगंबर दी ज़ुरियत दे अंदर वो बंदा दाखिल है जिहदे दिल दे अंदर ईमान मौजूद है जिहदे दिल दे अंदर कलमा इस्लाम मौजूद है। जे कलमा इस्लाम मौजूद नहीं मैं अल्लाह करीम ने जेरा दीन ना दिल कीते उन दीन दा हया उहदे दिल दे अंदर नहीं। मैं अल्लाह करीम नहीं देता कि तेरा पुत्र है या कौन है। मैं अल्लाह करीम तेरे अखी दे सामने उह बर्बाद कर देणे। अल्लाह करीम फरमे दे मैं अल्लाह करीम ने पैगंबर दे पुत्र को थाई पानी दे अंदर गर्क कर दिते ते दुनिया को मसला समझा लिते। ओ कायनात वाले ओ मत के ख्याल पै करै के असा तां ईमानदार है असा दावा ईमान दा कीता होया जिवें मरदे होंदे करे ते रहे वनो या असा ते यार फलाने मौलवी साहिब दे नाल ताल्लुक रखदे हैं असा ते फलाने पीर साहिब दे नाल ताल्लुक रखदे हैं असा ते फलानी जमात नाल ताल्लुक रखदे हैं। अल्लाह फरमाते ना कोई मौलवी कम आ सकदे ना कोई पीर कम आ सकदे ना कोई जमात कम आ सकदी है। इंसान दे कम जे आ सकदे तो अल्लाह दा दीन कम आ सकदे। इंसान दे कम जे आ सकदी है ते पैगंबर दी दावत कम आ सकदी है। पैगंबर दी दावत ते पैगंबर दे दीन दे मुताबिक जेरा बंदा जितना ज्यादा चलदा वेसी अल्लाह दा वादा करे गलत नहीं हो सकदा। अल्लाह फरमांदे सारी कायनात को मैं तबाह बर्बाद तक कर सकदा मगर इयो बंदा जेदे दिल दे अंदर कलमा इस्लाम मौजूद है जिंदे दिल दे अंदर पैगंबर दी दीन दा हया मौजूद है। इयो जी बंदे को मैं अल्लाह जलील करो सुआ नहीं जीवन देंदा। इतना से अल्लाह करीम फरमाएंगे मेरे हर पैगंबर ने आके इया दावत दीती है को अल्लाह ही है ते पीर फकीर भी हैं अल्लाह ही है ते दरबार ही हैं
अल्लाह ही है ते गैर अल्लाह दे नाम दिया मानता नियाज़ ही हैं। अल्लाह ही है ते कोफर भी है, अल्लाह ही है ते शर्क भी है। अल्लाह फरमाते हैं यो जी ईमान ते अमल जेरे बंदे ने बना के मैं अल्लाह दी दरबार च हाजिर थिया, मैं अल्लाह करीम ने दुनिया दी जिंदगी दे उते ऐलान करके आ दिते हाबितत अमाल हुन, यो जी बेहया को मैं अल्लाह करीम ने जहन्नम दा बालन बना कर ए वलू मैं जहन्नम दे उते जलील तो रुसवा थी कर सकदा। 950 साल पैगंबर ने तबलीग की थी, ते बेच मुसलमान कितने 70-80 है, बाकी सारी दुनिया काफिर है। ते इंदे कोलो ए मसला समझ च आ गए, मतलब कोई आखे यार सारी जमात ते माशाल्लाह लखां उलमा है, सारी जमात च लखां बंदे मौजूद हैं, सारी जमात च ढेर सारे बंदे हैं, ते फलानी जमात ते लगदे ही कोई नहीं। अल्लाह ने पहले मसला समझा दिते, मैं अल्लाह करीम ने मेयार हक कसरत नहीं रखी कि हक दे उते केरी जमात है, मैं अल्लाह करीम ने मेयार हक तुहारे वास्ते एक किताब बना के रख दी है, ई किताब दे उते चलन वाला अगर एक बंदे क्यों नहीं, अल्लाह फरमाते ऊ एक दे होंदे मैं अल्लाह करीम ने क़यामत कायम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह उंदी इज्जत करेगा जेरा बंदा सारे कुरान की इज्जत करे। अगर इंदी इज्जत न करे तो अपने आप को मौली सरे रखे, अपने आप को पीर सरे रखे, अपने आप को मदे जुबे ते कुबे पाके अल्लामा फहामा सरे रखे। अल्लाह फरमाते दूए जहाने के उत्ते लानती बन के जिंदगी गुजरे सी, इंदे नाल दा खिंजीर ते अबतर बंदा कोई नहीं थी सकता। सानू ही चाहिए कि असा भी अल्लाह के पैगंबर की जरी तालीम है कुरान पाक के जरिए दिता, हर पैगंबर ने जो जो तबलीग की थी है अल्लाह ने इन अंदर बयान कर दी है कि एक चीज हर पैगंबर के अंदर ही अंदर मौजूद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इंदा हया अल्लाह फरमाते तुसा च करो, मैं अल्लाह करीम ने तो कुए जहान के उत्ते खुशहाल कर रहे होने दुआ है अल्लाह पाक ये अल्फाज अपने दरबार के अंदर कबूल करना।